क्या आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, परंतु आप सोचते हैं ये तो बहुत महंगे हैं, हमारे बजट में नहीं है, तो मैं इन्हें कैसे लूँ? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी इस समस्या को ख़त्म करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया है, सभी में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर काफ़ी उत्साह है। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स, आधुनिक फीचर्स और शानदार लुक के कारण भी इन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। यदि आप इनकी कीमतों के ज़्यादा होने के कारण नहीं ले पा रहे हैं, तो हम यहाँ आपकी इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए टॉप 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में बता रहे हैं जो बजट फ्रेंडली हैं और इनकी कीमत 80,000 रुपये से कम है। ये आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकते हैं। आपको इन स्कूटरों पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कई फीचर्स और हाई रेंज वाली होने के साथ साथ स्टाइलिश लुक वाले भी हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तथा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नंबर 1 पर है बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर मैग्नस EX। मॉडर्न लुक और फीचर से भरपूर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है। इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली यह ई स्कूटर दिखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में कॉइल स्प्रिंग है। दोनों ओर ड्रम ब्रेक हैं। DRL हेडलाइट और ब्रेक लाइट में LED है। इसमें कई सारे खास फीचर्स भी उपलब्ध हैं, जैसे डिजिटल डिस्प्ले, 2 राइडिंग मोड, एंटी थेफ्ट अलार्म, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, व्हीकल फाइंडर, रिमोट बैटरी, रिमोट कंट्रोल की और USB चार्जिंग पोर्ट। बड़े फुटरेस्ट, ग्रैब हैंडल, लॉन्ग लेग रूम, सॉफ्ट कंफर्टेबल और बड़ी सीट है। इसके बूट स्पेस में फुल साइज हेलमेट आराम से आ जाएगा। 1200 वाट की BLDC हब मोटर और 2100 वाट का पीक आउटपुट है। 60 वोल्ट 38.25 एम्पियर आवर की लिथियम बैटरी है और बैटरी लगभग 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150 किलोग्राम और ग्राउंड क्लियरेंस 147 mm है। स्कूटर का वेट 82 किलोग्राम है। 121 किलोमीटर की रेंज और 53 किलोमीटर आवर की टॉप स्पीड है। दावा है कि यह 10 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी बैटरी, चार्जर, मोटर और कंट्रोलर पर 3 साल की वारंटी मिल जाती है। यह 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी या फिर 20,000 किलोमीटर तक की वारंटी के साथ आती है। इसकी कीमत लगभग 77,249 रुपये है। TVS IQube के तीनों वेरिएंट की तुलना का वीडियो हमने बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख लें। अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओकिनावा लाइट। यह शानदार लुक और ट्रेंडी डिज़ाइन वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह यूज़र फ्रेंडली होने के साथ पॉकेट पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डालता है। यह देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही यह फीचर से भरपूर है, जैसे कलरफुल डिजिटल डिस्प्ले, पुश स्टार्ट ऑन ऑफ बटन, कलर डिजिटल मीटर, पुश टाइप पिलियन फुटरेस्ट, डिटेचेबल बैटरी, DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प, USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, बैटरी लॉक, ऑटो हैंडल लॉक, रिमोट ऑन फंक्शन, हजार्ड फंक्शन, रिमोट बूट ओपनर, इनबिल्ट पिलियन राइडर फुटरेस्ट, रिमोट कंट्रोल की, स्कूटर पावर स्विच जैसे बेहतरीन फीचर से यह भरपूर है। फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में डुअल ट्यूब तकनीक के साथ डबल शॉकर दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक हैं। 250 वाट की BLDC मोटर और 1.25 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है। इसमें एक एंटी थेफ्ट लॉक मैकेनिज्म है, जिससे बैटरी को निकालने से पहले अनलॉक करना होता है। बैटरी लगभग 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज होती है। इसकी सीट हाइट 740 mm, लोडिंग क्षमता 150 किलो, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, 17 लीटर का बूट स्पेस और 7 डिग्री का ग्रेडिबिलिटी है। 50 से 60 किलोमीटर चार्ज की रेंज और 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। स्कूटर और बैटरी 3 साल तथा मोटर पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिलती है। इसकी कीमत लगभग 66,993 रुपये है। इसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नंबर 3 पर है बाउंस इन्फिनिटी E1।
यह एक स्मार्टेस्ट और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसे बैटरी के साथ और बिना बैटरी के भी पेश किया गया है। इसमें स्वैपेबल बैटरी सिस्टम चुनने का विकल्प है। इसके फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। आप इसमें कलर कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं। इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा इसमें उपलब्ध है। और भी इसमें कई सारे नए फीचर्स हैं, जैसे 6 एक्सिस एक्सलरोमीटर, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, डिजिटल स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड सेंस, एंटी थेफ्ट अलार्म, जियो फेंसिंग, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, रेजोनेटिव ब्रेकिंग, ऑल LED लाइट्स, डिस्क ब्रेक सेटअप, डिटेचेबल बैटरी, 2 राइडिंग मोड, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है। यह एक स्मार्ट व्हीकल है, इसलिए स्मार्टफोन पर ऐप के माध्यम से कई जानकारी मिल जाती है। IP67 रेटेड BLDC यह मोटर दी गई है। मोटर का नॉमिनल पावर 1.5 किलोवाट और पीक पावर 2.2 किलोवाट है। 2 किलोवाट 48 वोल्ट 39 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी है। बैटरी पोर्टेबल और स्वाइपेबल भी है। ऐप के माध्यम से नियरेस्ट स्वाइपिंग स्टेशन देखकर वहां जाकर बैटरी को चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन पर यह 2 घंटे में और घर पर लगभग 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। इसका वजन लगभग 108 किलोग्राम, 12 लीटर का बूट स्पेस, लोडिंग कैपेसिटी 200 किलोग्राम, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, कर वेट 94 किलोग्राम और सीट हाइट 780 mm है। 85 किलोमीटर की रेंज और 65 किलोमीटर आवर की टॉप स्पीड है। 0 से 7 सेकंड में यह 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी बैटरी पर 3 साल या 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी है और इसकी कीमत लगभग 45,099 से 80,000 तक है। आप इनमें से किस स्कूटर का डिटेल में वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला स्कूटर है हीरो ऑप्टिमा CX-ER। हीरो ऑप्टिमा CX सिंगल बैटरी और CX-ER डबल बैटरी के साथ पेश किया गया है। डबल बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आकर्षक रेंज देता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिमोट लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, वॉक असिस्टेंट, क्रूज कंट्रोल, USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, रिमोट कंट्रोल की, रिवर्स मोड, कॉम्बो ब्रेक सिस्टम, ड्रम ब्रेक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, LED हेडलैम्प, पोर्टेबल बैटरी, रेजोनेटिव बैकिंग जैसे आधुनिक और शानदार फीचर्स इसमें शामिल हैं। 550 वाट की मोटर और 51.2 वोल्ट 30 एम्पियर आवर की बैटरी है। बैटरी में लगभग 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। स्कूटर में 2 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। दोनों बैटरी बूट स्पेस में होने के कारण यहाँ थोड़ा स्पेस कम मिलता है। ऑप्टिमा CX के बूट में ज़्यादा स्पेस मिलता है। 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और कर वेट 82 किलोग्राम है। ऑप्टिमा CX का वजन 82 किलोग्राम और CX-ER का वजन 93 किलोग्राम है। CX-ER से 140 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज और CX से 82 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिल जाती है। दोनों की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर और बैटरी पर 3 साल की वारंटी मिल जाती है। ऑप्टिमा CX की कीमत 62,190 रुपये और ऑप्टिमा CX-ER की कीमत 77,490 रुपये है। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है हीरो एट्रिया LX। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर युवा भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन, USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, डिजिटल कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, लो बैटरी इंडिकेटर, पिलियन ग्रेबल, पिलियन सीट, पिलियन फुटरेस्ट, LED लाइट, ड्रम ब्रेक, डिटेचेबल बैटरी, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, वॉक असिस्ट, रेजोनेटिव ब्रेकिंग है। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और रेयर में स्विंग आर्म के साथ हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर है। 2 LED हेडलैम्प के साथ आती है जो कम रोशनी में अल्ट्रा हाई विजिबिलिटी देते हैं। 250 वाट की BLDC हब मोटर है। पीक आउटपुट 500 वाट है। 51.2 वोल्ट 30 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी है। इसकी बैटरी लगभग 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। 18 लीटर का बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, लोडिंग कैपेसिटी 200 किलोग्राम और कर वेट 69 किलोग्राम है। 85 किलोमीटर तक की रेंज का दावा है और 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। इसका मोटर, बैटरी कंट्रोलर और चार्जर पर 3 साल की वारंटी मिलती है। इसकी कीमत लगभग 71,690 रुपये है। दोस्तों, विभिन्न शहरों और सब्सिडी के अनुसार कीमतों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो मददगार साबित होगा।
आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।